नमस्कार। अपना यूपी को हमारा उत्तर प्रदेश बनाना हो तो आप भारत समाचार के साथ जुड़िए। आपके साथ मैं राहुल सौमित्र हूं। दोपहर वार में आज हम बात करेंगे दक्षिण में राहुल और गांधीगढ़ में स्मृति। वायनाड से राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पर्चा भर दिया है। इधर स्मृति ईरानी अपनी लाव लश्कर के साथ अमेठी में है और दावा कर रही है अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भागे हैं, मैं नहीं। जबकि हकीकत यह है कि राहुल भागे नहीं बल्कि इस बार दो सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक पांच साल पहले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, वडोदरा और बनारस। दोनों ही सीटों पर उन्हें एक तरफा जीत मिली थी। दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। राहुल इस बार कांग्रेस की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अमेठी बहुत लंबे समय से कांग्रेस के खाते में ही रही है। वायनाड भी कांग्रेस की ही सीट रही है। तो दोनों नेताओं को अगर देखा जाए तो इस बार भले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ना हो, अनाउंस ना किया गया हो, लेकिन सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी उभर कर सामने आए 2019 के चुनाव में। वो वादा भी कर रहे हैं कि 72,000 रुपये सालाना देंगे, ये तमाम वादे हैं। इधर प्रधानमंत्री से लेकर अमित भाई शाह सब कह रहे हैं कि ये झूठ का पुलिंदा है। 1971 में भी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राहुल गांधी दक्षिण साधने गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो इसलिए गए हैं कि तीन राज्यों को साध लिया जाए। बहुत उपेक्षा की भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए राहुल गांधी गए। तो बहस आज इसी पर है। स्मृति ईरानी अमेठी में है अपने मंत्री मोहसिन रजा के साथ। बसपा के एक नेता को उन्होंने अपने पाले में कर भी लिया है और पूरे लाव लश्कर के साथ वो कह रही है कि जब तक इलेक्शन रहेगा वो वहीं डटी रहेंगी। एक रिकॉर्ड ये भी है, पिछले पांच सालों की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से ज्यादा दौरा किया। लेकिन राहुल गांधी के पास पूरे देश की जिम्मेदारी है, स्मृति ईरानी के पास भी पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो बहस आज इसी पर होगी कि राहुल गांधी का ये डर है या उनकी रणनीति का हिस्सा, और प्रधानमंत्री मोदी 2014 में क्या किए थे, वो रणनीति का हिस्सा था या डर था। ये तमाम सवाल अपने खास मेहमानों से होगा। लेकिन उसके पहले स्मृति ईरानी ने अमेठी जाने से पहले लखनऊ में क्या कहा वो हम आपको सुनाए देते हैं। जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। स्मृति ईरानी जो केंद्र में मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अमेठी का अपमान है, जनता के साथ धोखा है, चूंकि राहुल गांधी ने आज वायनाड से पर्चा भर दिया है। स्मृति ईरानी इस बात को डंके की चोट पर बता भी रही हैं लोगों के सामने जा जाकर, और पिछले पांच साल में खूब दौरे किए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे कि दक्षिण में राहुल जो गए हैं ये उनकी रणनीति का हिस्सा है या डर है, ये अपमान है अमेठी की जनता का, ये भी पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ ओपी मिश्रा जी जुड़े हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव भी कुछ कम तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं, ये भी बड़े तेज हैं, बहुत बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। और हमारे साथ अरविंद यादव जी हैं, ये PSPL के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह देर में है, यानी वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ओपी मिश्रा जी, ये अमेठी की जनता का अपमान कैसे है, जनता के साथ धोखा कैसे है? चूंकि बहुत सीधी सी बात है ना, हम ये दर्शकों को बताते हैं, चूंकि दर्शक तो ये भी जान रहे हैं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ोदरा और बनारस से चुनाव लड़े, दोनों ही सीट बीजेपी के पास थी। राहुल गांधी भी दोनों ही सीट बीजेपी के पास, जो कांग्रेस के पास है उससे लड़ रहे हैं। तो कैसे ये अपमान हो गया, कैसे ये डर हो गया, ये आप बताइए। ओपी मिश्रा जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। राहुल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं
कि क्या मुझे अगर तो लगता है कि आप बताएंगे, दर्शक उम्मीद भी कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं सर। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है राहुल जी के दो सीटों पे लड़ने को, कि अगर मान लीजिए वो दोनों सीटों से जीतते हैं तो कौन सीट अपने पास रखेंगे, वो वहां केरला की रखेंगे कि अमेठी की रखेंगे। 15 सालों तक वो अमेठी से जीते रहे तो यहाँ की जनता को उन्होंने क्या दिया है? अच्छा, तो जनता इस पर डिसाइड करती है। अगर आप कहीं लड़ने जा रहे हैं तो पहले जो आपका घर है उसको संभालें। वहां की जनता की जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी थी, आपकी 10 साल केंद्र में सरकार रही, आपने क्या दिया? आज स्मृति ईरानी जी 2014 का चुनाव वहां हारने के बावजूद अमेठी की जनता के साथ जिस तरह जुड़ी रही, लगातार आती रही, लगातार वहां पे विकास के कार्यों के प्रोजेक्ट लाती रही, ये उन्होंने अमेठी की जनता के साथ लगातार जुड़कर वहां पे काम किया है। और राहुल गांधी जी वहां पे सांसद रहने के बाद, 10 साल उनकी सरकार चलने के बाद अमेठी का क्या हाल है वो अमेठी की जनता जानती है। अब वो एक नए जगह की तलाश में है। अरे, आपने जहां काम किया है उसका भी तो कोई मूल्यांकन होगा, देश मूल्यांकन करेगा कि आप जहां के सांसद थे वहां आपने क्या किया है। वायनाड के लोग भी पूछेंगे उनसे कि अमेठी में आपने क्या किया है कि आप वायनाड आए हैं, अमेठी में कुछ किया है क्या, आपने क्या विकास कार्य किया, जरा एक लिस्ट लेके आए। और हमारी नेता स्मृति ईरानी ने वहां क्या किया, चुनाव हारने के बाद केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वहां पे जाति लगातार वहां के सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रही, विकास कार्यों का उन्होंने पूरा मूल्यांकन भी किया और लगातार काम किया है उन्होंने, इसलिए आधार पे वो फिर गई है चुनाव लड़ने के। देखिए, कपीश श्रीवास्तव जी, आप समाजवादी से हैं, लेकिन चूंकि ये राजनीति से जुड़ा सवाल है इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। यहां पर ओपी मिश्रा जी सीधे कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी हारी, वो इलेक्शन हारी, इसके बावजूद वो अमेठी को छोड़ा नहीं, उन्होंने अमेठी के लगातार दौरा करती रही। राहुल गांधी 15 साल से वहां के सांसद हैं लेकिन कुछ दिया नहीं, 10 साल तो उनकी सरकार भी रही, कुछ दिया नहीं, और अब डर के मारे इसलिए भाग गए हैं, चूंकि अगर 2009 और 2014 की जीत का आंकड़ा देखें, फर्क देखें, तो तकरीबन 2 लाख वोटों का है, इसीलिए राहुल गांधी को यह डर हुआ और वो कह रहे हैं दक्षिण फतेह का बहाना है और चले गए हैं वायनाड अपनी सीट बचाने के लिए। देखिए राहुल जी, सच बात तो यह है कि इसमें तो कांग्रेस के ही परिवर्तन तो सारी चीजें कहनी चाहिए, लेकिन अब आपने पूछा तो एक जनरल थिंकिंग से ही हम चीजें कह देते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने एंकरिंग के पहला ही वो आपने लिया है कि मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे, इंदिरा गांधी जी भी कभी 2 जगह से लड़ी थी, बहुत से हमारे बड़े नेता लड़ते रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता कि वो एक सीट हार जाएंगे इस वजह से वो दूसरी जगह पलायन हो गया। उनकी अपनी एक रणनीतिक थिंकिंग होगी, शायद हमको लगता है कि कांग्रेस जो है वो दक्षिण में कुछ अपने लिए ज़्यादा विशेष देख रही है इस इलेक्शन के अंदर, इसलिए हमें लगता है कि राहुल गांधी जी वहां गए हैं। और रह गई बात प्रियंका इनकी, क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी की, तो 2 लाख वोट से हारी थी, कम नहीं होता है, 2 लाख वोट बहुत होता है, और इस बार हमें लगता है कि वो 4 लाख वोटों से हार जाएंगे। अच्छा, इस बार 4 लाख वोटों से हार जाएंगी, बिल्कुल। कैसे ये कपीश जी आप कह सकते हैं, चूंकि वो तो राहुल गांधी से ज्यादा दौरे कर रही हैं, और एक ओपी मिश्रा जी का और दर्द है, चूंकि वो कह रहे हैं कि कौन सी सीट छोड़ेंगे, 7 करोड़ रुपए एक लोकसभा चुनाव में खर्च होते हैं चुनाव आयोग, तो वो ये भी इनका वाजिब सवाल है कि कौन सी सीट छोड़ेंगे, क्या चाहते हैं वो? नहीं देखिए, सवाल तो वाजिब है, इस पर तो मंथन होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में भी और देश के अंदर मंथन चलना चाहिए। लेकिन कपीश जी, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार ने ही इस पर रोक लगाई थी, ये बात आप जान रहे हैं कि नहीं, 2018 में जब चुनाव आयोग गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि भैया ऐसा कीजिए कि एक सीट पर एक आदमी लड़े, लेकिन इन्होंने ही कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है आप बताइए मुझे, नहीं ये मुझे बताइए ना, क्लियर कीजिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पास भी वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत जेन्युइन बात कही थी और इस पर आत्ममंथन भी होना चाहिए राजनीतिक दलों, सरकार ने ही कहा था, पूरे देश के अंदर सरकार ने जानबूझ के कहा, इसलिए कहा कि वो भी उसका लाभ उठाते रहे, बनारस से भी हमारे प्रधानमंत्री जी लड़े थे और गुजरात से भी लड़े थे, और दोनों जगह उन्होंने जीता था और फिर एक जगह के जनता का की जगह अपनी खाली कर दी थी, और उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो फिर गुजरात की जनता का उन्होंने अपमान कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज आत्ममंथन की विषय है, पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक सीट, यानी कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि राहुल गांधी की ये रणनीति का हिस्सा है, इसमें कोई डर नहीं है, जब दूसरे ऐसा कर रहे हैं
और जब सरकार ही ये कह रही है कि नहीं भैया देखिए चुनाव आयोग ऐसी बाध्यता कोई नहीं होनी चाहिए, हम दो सीटों से लड़ सकते हैं, तो ओपी मिश्रा जी आपका वो सवाल यहां पर डेड हो गया। अब बारी आपकी है, चूंकि आप ही की सरकार ने कहा कि एक सीट की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, पाले अब गेंद जो है आपके पाले में। ओपी मिश्रा जी देखिए, मोदी जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनका कोई परंपरागत सीट नहीं है मोदी जी की। मुरली मनोहर जोशी ये कांग्रेस के सांसद है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर मोदी जी की बात करते हैं तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात में वो चुनाव लड़े, हम 26 में 26 जीते, 26 आउट ऑफ 26। हम वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े बनारस से, तो हम यहाँ 80 सीटों में हम 73 सीट जीते। तो उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा ये तो साफ यहाँ दिख रहा है। और राहुल गांधी जी तो अमेठी में चुनाव लड़ते हुए हैं। नहीं, एक मिनट कपीश जी, मैं समझ नहीं पाया, ओपी मिश्रा जी समझाइए ना, सब जो आप कह रहे हैं कि समझ रहे हैं, कैसे समझाइए जरा बताइए। आखिर एक सीट तो उन्होंने फिर भी छोड़ी कि नहीं? एक सीट तो आपको लोकतंत्र में छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वही बताइए ना, एक सीट तो आपको लोकतंत्र में छोड़ना पड़ेगा। और मोदी जी जो लड़े यहाँ पे उत्तर प्रदेश आए तो आपको क्या परिणाम मिला आप देखिए ना, हम 73 सीट जीते हैं। तो आप देखिए राहुल जी और हमारे यानी एक मिनट आपने टॉपिक दे दिया। प्रियंका जी थोड़ा देर से हैं आप, मैं बता दूं कि टोटल 8 मिनट की देरी से, लेकिन क्या क्या हुआ मैं बता दे रहा हूं। दक्षिण में राहुल है और गांधीगढ़ में स्मृति, इस पर चर्चा हो रही है। ओपी मिश्रा जी लगातार यही कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की जो है डर है, उनका डर है, ये कोई रणनीति नहीं है। और वो कौन सी सीट छोड़ेंगे अगर 2019 में उन्हें दोनों सीटों पर जीत मिलती है, यानी कम से कम ओपी मिश्रा ये मान रहे हैं ऑन एयर, आपने कहा कि दोनों सीट पर राहुल गांधी जीत रहे हैं, बल्कि आपके नेता तो ये कहते रहे कि अमेठी हार रहे हैं, क्या मान रही हैं आप इसे, कैसे देख रही हैं? देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम दोनों सीट पर जीत रहे हैं और बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जिस तरह से आप देखें कि जब आडवाणी जी दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं तब कुछ नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी लड़ते हैं तो नहीं बोलते हैं, आप बोले इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने दो सीटों से लड़ा है, इवन इनकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी दो सीट से लड़ चुके हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। मैं समझती हूँ कि राजनीति में हर तरह की जो है संभावना, प्रियंका जी को बोलिए आप बोलिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर राहुल गांधी जी दक्षिण भारत को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंट संस्कृति और डिफरेंट जो खान पान है और जो वहाँ की जो मूलभूत चीज़ें हैं उससे भी उन्हें कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से जनता का जो प्यार है, जिस तरह से मोदी जी को गंगा माँ बुला सकती है, वैसे वायनाड की जनता भी राहुल गांधी जी को बुला सकती है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको हर जगह से डर लग रहा है और ये डर की भावना से जो है आप दो सीटों पर लड़े तो सब ठीक, अगर हम दो सीटों पर लड़े तो ये डर है। अरविंद यादव जी आपके पास भी तो बड़े नेता हैं जी, वो तो उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर लड़ रहे जबकि वो नई नवेली पार्टी है, उनके पास यानी कार्यकर्ता बहुत सारे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल जी पहले मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा लेकिन पहले अपनी बातों को रख लो, भारतीय जनता पार्टी के जो ओपी जी कह रहे हैं जी कि राहुल गांधी अमेठी में अब हार का सामना देख रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दो जगह से चुनाव लड़े, आकर के बनारस में रुके और वहां गुजरात की जनता को धोखा दे दिया। मैं कहता हूं कि छोड़ना कौन तय करेगा ये तो बाद की बात है, दोनों सीट में से कौन छोड़ी जाएगी। नहीं ये मेरे शब्द नहीं, ओपी मिश्रा जी के, ओपी जी का, दोनों सीटों पर राहुल गांधी को जिता दिया है उन्होंने। नहीं बिल्कुल, वायनाड में भी जिता दिया और अमेठी में। राहुल जी मैं एक और बात करने क्या गई है वो यहाँ से राहुल जी वो एक और बात कपीश जी में कुछ सामने बोला ना यही 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 बात। देखिए स्मृति ईरानी इस बार जैसे कपीश जी ने कहा है कि दो नहीं इस बार 4 लाख से हार रही है, ये सत्य है, आप मानिए तो, इस बात को मतलब ऐसी बातों में हमें नहीं फंसना चाहिए क्योंकि हम ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। और इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी मोदी जी थे तो मुमकिन है, स्मृति ईरानी हारने के बाद मंत्री बन जाएंगी, वो भी शिक्षा मंत्रालय संभाल ले जो संभाल ले, मोदी जी हैं मुमकिन है, लेकिन अब मोदी जी नहीं आने वाले हैं तो सब नामुमकिन है, अब ये दोबारा नहीं जीतने वाली है ये सत्य है। रही बात हमारे नेता की दो जगह से लड़ने की, तो हमारे नेता जैसे फिरोजाबाद की जनता के लिए कार्य किए हैं, फिरोजाबाद की जनता ने कहा, उनसे बार बार आग्रह किया कि आप यहां से लड़िए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का प्रतिनिधित्व आप कीजिए। तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने फिरोजाबाद से अपना नामांकन किया, वो भी नेताजी का आशीर्वाद को लेकर के नामांकन किया, नेताजी ने आशीर्वाद दिया फिर नामांकन किया। ओके
ओपी मिश्रा जी, अब ओपी मिश्रा जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने का आशीर्वाद, एक मिनट सर, लालकृष्ण अडवाणी जी नहीं पहुंचे, अरविंद जी कोई बात नहीं है, नहीं पहुंचे इस पर हम रह नहीं रहे। आप तो दोनों सीटों पर राहुल गांधी को कैसे जिता दिया? नहीं नहीं, हम जिता नहीं रहे, सुनिए, जो हमने कहा, नहीं आप फ्लैशबैक में दिखाऊं मैं, नहीं नहीं आपने ये कहा कि कौन सी सीट छोड़ेंगे, जब आदमी लड़ता है राहुल गांधी, देखिए जब स्मृति ईरानी तो मोहसिन रजा को लेकर गई है, बसपा के एक नेता को भी अपने शामिल कर लिया है, अब वो तो जोर मेहनत कर रही है, हमने अब आप छोड़ने, हमने आपको ये भी कहा जब आप 15 सालों में जो आदमी जिस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, 10 साल तक उसकी सरकार रही, तो जनता पूछेगी ना, वायनाड की जनता ही पूछेगी, भाई आप, भाई आप, भाई आप, भाई आप, क्या किया? आपकी भी है, आपसे नहीं जनता पूछेगी। 15 सालों में राहुल गांधी से तो पूछेगी ना कि आप दूसरी जगह लड़ने आए हैं। ओपी मिश्रा, प्रियंका जी देखिए सुनिए, एक तो आपको खुश होना चाहिए और आप इतनी बहस कर रही हैं। 15 सालों जब आप नहीं थे, नहीं नहीं 15 सालों में जब आप नहीं थी, तो ओपी मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, यानी भैया ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि दोनों सीटों पर जीत रहे हैं। अब इनके दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, अरे सर अब हो गया सर, ये भी हाँ मैं मान लिया, हमने ये भी कहा, चलिए 15 सालों में जो उन्होंने अमेठी में किया, अब वायनाड की जनता उनसे पूछेगी ना कि आपने क्या किया वहां पे, सुनिए 15 साल में विकास कार्य नहीं हुआ, आप अमेठी को पीछे लेकर चली गई हैं। अब ये थोड़ा सा अपने प्रश्न को बदल रहे हैं और इसलिए कहीं हार ना जाए इसलिए वायनाड भाग गए हैं। देखिए मैं अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया, चाहे वो अमेठी के हों चाहे पूरे भारत के हों, आपने महिलाओं के लिए क्या किया, एक बड़ी विडंबना है, चाहे वो पूरे भारत के हों, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा, आपको राहुल गांधी के अमेठी का जवाब नहीं मिलेगा, आप देश भर का सवाल पूछे ना, प्रियंका जी जवाब देंगे, हम आपको देश भर का जवाब देंगे, आप जो पूछे एक बड़ी विडंबना है, जब से मैं डिबेट देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, आप जो पूछेंगे सवाल का जवाब सवाल क्यों होता है कपीश जी, सवाल का जवाब सवाल ही क्यों होता है। अब उन्होंने पूछा कि 15 साल में काम क्या किया, अब प्रियंका गुप्ता जी कह रही हैं कि बेरोजगारों को इन्होंने क्या दिया, भाई सवाल का जवाब सवाल क्यों हो रहा है, पहली बात क्यों क्यों हो रहा है सवाल का जवाब, 15 सालों में राहुल गांधी दोबारा लड़ने गया तो पहली बात तो ये है, देखिए आप ही दोनों लोगों को, हम तो रिपोर्ट प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी एक मिनट मैम, एक मिनट, आप ही लोगों पर ये बहस है, आप दोनों लोगों पर, इसमें दूसरे मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं ना, जो दूसरे मेहमान हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, भले ही आपके विरोधी हो, उनको भी, उनसे भी पूछ लेते हैं, साथ में है ये बताइए, अच्छा किसके साथ में है ये, इनके कांग्रेस के साथ में, भाई अखिलेश यादव ने बोला है कि कांग्रेस हमारे साथ में, पूरे देश के साथ है, हम देश के हर राजनीति भाई, अखिलेश यादव ने बोला है कभी नहीं मानते हैं कि कोई 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 राजनीति प्लीज। तो कपीश जी सवाल का जवाब सवाल क्यों हो रहा है, उत्तर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, सवाल आया उसी का सवाल को अगर सवाल लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा क्या, नहीं देखिए नहीं, दोनों लोगों से मेरी शिकायत है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से शिकायत है, खुली शिकायत है मेरी, देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं, आपका सवाल सही है लेकिन ओपी मिश्रा जी का सवाल गलत है, इसलिए गलत है कि जब एक इलेक्शन 5 ही साल पे होता है और 5 साल वो आपको आपके अभी ये बीते हैं, आप उस पे कह सकते हैं वो आखिर उससे पहले भी जनता उनको चुनती आई है और स्मृति ईरानी जी को पटकनियां दे दी थी, 23 तारीख को भी पता चल जाएगा कि कोई उनको इसको पटकनियां दे दिया, लेकिन ये बात तो सत्य है कि अमेठी के अंदर इन 5 वर्षों में एकदम कोई विकास नहीं हुआ, भले प्रधानमंत्री जी जा करके वह कोच फैक्ट्री में खड़ा होके और वो थोड़ा सा चला लें, वो क्या कहते हैं नई वाली गाड़ी, लेकिन वो लगाया किसने, लगाया किसने, अमेठी के अंदर चाहे उड़ान का प्रशिक्षण केंद्र है या तमाम जमीन दिया क्या, देखिए बात यहाँ देखिए मैं कांग्रेस की नीतियों का घोर विरोधी व्यक्ति हूँ, लेकिन अब इतना तो गले से नहीं उगतेगा कि किसी ने कुछ किया है तो भाई हमें कहना पड़ेगा, नहीं ये और तो जनादेश का अपमान भी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर जनादेश का अपमान है, नहीं जनादेश का अपमान है क्योंकि जनता तो चुन रही है ना उन्हें, बिल्कुल जब ये 60 साल का प्रश्न उठाते हैं तो भी ये जनादेश का अपमान करते हैं क्योंकि इनका अपने पास कुछ भी गिनाने के लिए नहीं, आज इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल्कुल, देखिए अब ओपी मिश्रा जी, अब मैं आपसे 1-to-1 हाँ, एक मिनट मैं बता दूं, हाँ, जो 15 साल का ओपी जी मिश्रा जी का सवाल है, मैं पूछता हूं कि अमेठी से बगल में सुल्तानपुर आप चले जाइए, आपने देखा होगा वहां कि वरुण गांधी को पीलीभीत कर दी गई और पीलीभीत मेनका गांधी को यहां कर दिया गया, मैं इनसे पूछता हूं कि अगर ये बड़े काउंटर सवाल है ओपी मिश्रा जी, इसमें तो आप ही फंस जाएंगे,
ये कह रहे हैं कि अगर 15, एक तो सबसे बड़ी बात जनादेश का ये तो अपमान हो गया, क्योंकि अगर जनता अमेठी की जनता चुन रही है राहुल गांधी को तो वो तो उन्हें प्यार कर रही है ना। 3 लाख 1 लाख बड़े मत घटा हो। और दूसरी बात, देखिए सुल्तानपुर का सवाल आ गया, आप भी तो बदल रहे हैं ना, आपको भी जीत चाहिए, राहुल गांधी को भी जीत चाहिए, कपीस जी को भी जीत चाहिए, और अरविंद यादव जी भी जीत ही चाहते हैं। नहीं आप, आप भी बदल रहे हैं ना। आपने अगर अमेठी पे आज कंसंट्रेट किया है इस बस को, आप किसी पे कर सकते हैं, आप सुल्तानपुर की कर लें, आप पीलीभीत कर लें, हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्यों अपमान है इस पे, आप हमारी जनता का अपमान सुल्तानपुर पे। अगर आप वहां 15 साल से वहां सांसद हैं, आप वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि आपने क्या क्या काम किया है। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा कोई सवाल पूछ ले, स्मृति ईरानी क्या क्या काम किया उन्होंने? देखिए स्मृति ईरानी वहां कोच फैक्ट्री से लेकर वहां के हर विकास कार्य में लगातार वहां रही है, जनता के साथ लगातार। फैक्ट्री का निर्माण 2014 में हुआ था। नहीं देखिए, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए पहले भी इसके लिए जमीन का भी बात था, यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब भी इन्होंने उसको समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में एम्स के लिए जितना ये पैसा एम्स के लिए दे रहे उसके 2 गुना की जमीन दे दी। नहीं हमारी सरकार के रायबरेली में भी थी, लेकिन इन्होंने एम्स के नाम पर वहां पर मिनी पीजीआई खोलना है, यही हो रहा है। दिल्ली जाना पड़ेगा तो मिनी एम्स का ये ना कि सुपर स्पेशलिटी वार्ड बना हॉस्पिटल बना रहे, क्यों जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं? बन रहा है अभी तो। अरे मुझे नाम नहीं रहा है, उसका नाम होता है मिश्रा जी, मुझे देखा है क्या वो 220 एकड़ में जमीन नहीं होती सर? कपीस जी एक मिनट, आप ये आप बता नहीं पा रहे, गिना नहीं पा रहे वजह, राहुल गांधी के डर की वजह। ओपी मिश्रा आप गिनाइए ना। नहीं एक तो हो गया आपका कि 15 साल में कोई काम नहीं है, मैं प्रियंका जी से पूछूंगा, आप 2-3 और गिनाइए ना कि डर की वजह। आप डर कह रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, आपके पास मौका है, भारत समाचार आपको मौका दे रही है, आप बताइए कि क्या डर है। राहुल गांधी जी के पूरे परिवार से, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सर अब मैं सवाल टू सवाल, तीनों लोग ही सवाल सवाल, एक डर हो गया कि 15 साल में कोई काम नहीं है, दूसरा सवाल वो डर की वायनाड भागने की वजह, आप कह रहे हैं ना भागे हैं, दूसरी बात नहीं, वहां हमारे द्वारा किया गया काम, स्मृति ईरानी वहां अच्छा, लगातार आपके द्वारा किया गया काम दो, देखिए हाँ, वो लगातार जनता साल से संवाद बना रही हैं, वो हाँ, लगातार वहां पे जाती रही हैं, और पांच वहां और मैं आ रहा हूं उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 2017 प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी में सिर्फ एक सीट जीत पाई आचार संहिता विधानसभा में, बता दीजिए हाँ। तो वहां पे इनके हार किस थी है, तभी जा रहे राहुल, उनको डर है ठीक है। अब देखिए प्रियंका जी, देखिए ये वजह ये बता रहे हैं, भागने की वजह ये बता रहे हैं राहुल गांधी के, क्योंकि ये इनके शब्द हैं, मैं तो बोल रहा हूं बस, वो डर इसलिए गए हैं। सबसे पहली बात कि 5 सालों में स्मृति ईरानी द्वारा किया गया अमेठी में काम, ये बता रहे हैं। दूसरी बात, ये लगातार डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम ही आएंगे इस बार, चूंकि सबसे ज्यादा दौरा स्मृति ईरानी वहां पर कर रही है, राहुल गांधी से वो संवाद कर रही है, लोगों से घुल मिल रही है, एक वजह ये भी है, ये बता रहे हैं। नहीं देखिए उनको जरूरत भी है, क्योंकि जो जनता प्यार राहुल गांधी जी को करती है वो स्मृति ईरानी जी को कहीं से नहीं करती है, तो ये बात इसलिए ये सांकेतिक तौर पर सच है कि उन्हें ज्यादा मिलने की जरूरत है। मैं समझती हूँ ऑलरेडी उन्होंने हार का मुंह देखा हुआ है, तो अब उनके पास डबल मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिस तरह से देखें इनकी सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं, इनके सारे जुमले जो है जनता के सामने आ चुके हैं, और जो भी वादे इन्होंने जनता के साथ, काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है, तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी चली गई, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। देखिए अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको मैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा,
जरूरी है। एक सेकेंड फ्रेंकली वॉट मिस्टर नरेंद्र मोदी सेज, वॉट मिस्टर योगी सेज, इज फ्रेंकली नॉट माई कंसर्न। द टू मेन इश्यूज इन दिस कंट्री टूडे आर जॉब्स एंड फार्मर्स। फार्मर्स डू नॉट हैव ए गुड perspective on what future holds for them. Youngsters are running from state to state looking for jobs, and Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. Also, one second, please let me answer. Also, on the matter of corruption, the country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the chowkidar. And the fact of the matter is that the chowkidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. He has stolen money and he has given it to Anil Ambani. Anil Ambani has no experience in making it. Anil Ambani is 45,000 crores in debt. Anil Ambani almost went to jail. His brother had to bail him out. Why is this man being given the most important defense contract in the country? These are the issues. I want to say one last thing. I know that the CPM and the Congress have been locked in a fight in Kerala. And this fight will go on. But I want to make it very clear to my brothers and sisters in Kerala, to my brothers and sisters in the Congress party, my brothers and sisters in the CPM. I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important. And I fully understand that the CPM has to attack me. So I will absorb all their attack with happiness. But from me, you will not hear a word in my campaign against the CPM. Thank you. तो राहुल गांधी ने बहुत सीधा सवाल पूछा है और जवाब भी दिया है, यानी सरकार से सवाल है और जवाब ये दिया है कि ये यहाँ पर जो मुद्दा है जॉब और किसान, यानी नौकरी और किसानों की समस्या भारत में है। उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि एक पांव उनका अमेठी में है और दूसरा वायनाड में है।